हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज 31 दिसंबर है और मतलब कि हैप्पी न्यू ईयर है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का न्यू ईयर तुम सबके साथ मनाया जाए। तो आज हम एक ब्लॉग बनाएंगे जिसमें हम तुम्हें पूरा आज का दिन का क्या क्या करेंगे वो सब दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हम जाने वाले हैं एक सुंदर सी जगह जिसका नाम है सुंदर नर्सरी। तो वहाँ पहुँच के तुम्हें सिर्फ दिखाता हूँ मैं कि आगे आगे क्या होता है, ठीक है? ओके, आज हमारा छोटा सा एक्सीडेंट भी हो चुका है जो हम अब ठीक कराने आए हैं। ये आगे देख रहे हो, पूरा डेंट आ गया, ये पीछे कर लाओ, पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा। सो हुआ क्या कि हम नॉर्मल स्कूटी लेके जा रहे थे, सामने आज तो बहुत भीड़ थी और एक ऑटो ने सीधा सीधा जा रहा है, बिना इंडिकेटर दिए उसने राइट ले लिया और सीधा हम पे आके बढ़ गया। तो बस वही है, फिर उससे हमारी स्कूटी टच हुई है, ऑब्वियसली स्कूटी को ही डेंट आया, तो थोड़ा सा डेंट आया। मुदित अभी साथ में है, मुदित को हम विश्वविद्यालय तक छोड़ने वाले थे, उसके बाद हमने अकेले ही जाना था। तो अब मैं सोच रहा हूँ विश्वविद्यालय में ही अपनी स्कूटी खड़ी करता हूँ, क्योंकि यार थोड़ा ना लग रहा है मुझे कि अब स्कूटी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि थोड़ा डेंट वेंट भी आ गया और सही से चल भी नहीं रही थोड़ी, तो दिखानी पड़ेगी मुझे एक बार अच्छे से। तो अभी स्कूटी यहाँ से थोड़ा सा ठीक करा के विश्वविद्यालय में रोकते हैं, फिर मेट्रो से ही जाएंगे आज। तो गाइज अभी हम पार्किंग में पहुंच गए हैं, विश्वविद्यालय की पार्किंग में हमने लगाई है अपनी स्कूटी। तो तुम ये देख, ये पूरा अंदर घुस चुका था जो अभी हमने सही करवाया, सही तो हो गया है, बट मैं सोचा इसमें कोई और दिक्कत ना आ गई हो, इसलिए फिर लेके नहीं जा रहे अब हम, और मेट्रो से बहुत दूर पड़ेगा, तो हम सोचे ऊबर ऑटो कर लेंगे। तो मुझे जाएगा बस स्टैंड तक साथ में, उसके बाद हम अकेले जाएंगे हमारी स्कूटी को बाय बाय बोलकर। चलो, तो काफ़ी अच्छा 31st बना है हमारा अभी तक, सो गुड सो फार, क्या बोलता है मुझे भाई? तो स्कूटी से आने का जो आइडिया था ना इन भाई साहब का था, कार से कहाँ जाएगा इतनी दूर यार, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। आइडियोलॉजिकल था, ऑटो वाले ने थोड़ी उल्टी चीज़ें कर दी, बीच में जो हो गया उसको मैं क्या कर सकता सही में। और आते ऐसे, और हमने सोचा था गाड़ी से जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, स्कूटी ख़राब हुई, स्कूटी खड़ी करके हम सही कर रहे हैं, उसके बाद कहीं और लेके गए मर मर के, वहाँ सही करवाई, उसमें कितने एक दो घंटे उसमें लग गए, तो इनडायरेक्टली अब ज़्यादा टाइम लग चुका है हमारा, अरे हमारा ईयर ऐसे एंड हो रहा है, और हमारा ईयर ऐसे एंड हो रहा है, वाह। और कोइंसिडेंस देख, आज ही हमने ब्लॉगिंग चालू करी और आज ही एक्सीडेंट हो गया। अगर हमने एक्सीडेंट थोड़ा एक्सीडेंट नहीं कहेंगे, टक्कर लगी है, एक्सीडेंट तो नहीं कहेंगे, टच हुआ है थोड़ा सा, बस छू के निकल गया। हाँ, टाइम टू गो नाउ, फाइनली हम पहुंच चुके हैं सुंदर नर्सरी। एज यू कैन सी दिस इज सुंदर नर्सरी, तो एक बहुत बड़ा पार्क है। और यहाँ मैं क्यों आया हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? एक बार हम अपना स्पॉट ढूंढ लेते हैं पहले अच्छा सा, और फिर उसके बाद तुम्हें बताते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। गाइस, ये जो जगह है सुंदर नर्सरी ना, ये बहुत बड़ा पार्क है और यहाँ पे ना लोग कम ही आते हैं, ऑल्दो आज एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। जहाँ पे ना सबसे ज़्यादा शांति मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे बहुत पीस रहता है, और इसलिए मैं जब भी यू नो होता है ना, एक मूड ख़राब होता है या कभी भी तुम्हारा मन करे कहीं घूमने जाने का, मैं सबसे पहले सुंदर नर्सरी आता हूँ। बट और इसलिए मैं आज भी यही आया हूँ क्योंकि मेरा 2022 मोस्टली इसी सुंदर नर्सरी में निकला है। बट हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आज यहाँ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भीड़ है, बट दैट्स ओके, क्योंकि आज वो है तुम्हारा न्यू ईयर, तो मेरी तरह बहुत लोग आए होंगे यहाँ पे यही सोच के कि कम भीड़ होगी, बट ठीक है, बट स्टिल स्टिल यहाँ पे बहुत शांति तो है। अभी मैं एक ऐसी जगह आ गया हूँ जो जहाँ लोग आए नहीं है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो। एकदम शांति, अगर तुम्हें शांति चाहिए ना तो तुम्हें यहाँ की जगह पता होनी चाहिए। ओह, लुक व्हाट आई फाउंड, पीकॉक, वाओ। तो देख रहे हो, ऐसी ऐसी जगह यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी है जहाँ तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी, बट उसके लिए तुम्हें जगह पता होना चाहिए रास्ते, क्योंकि मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं जहाँ एंट्री है, वहाँ ना बहुत सारे यू नो फ्री स्पेस है, तो वहीं बैठ जा रहे हैं, धूप सेक रहे हैं, अच्छी बात है, पिकनिक बना रहे हैं, बहुत सारे लोग आए हैं भाई, चटाई वटाई लेके पिकनिक बना रहे हैं मस्त। बट अगर तुम इसके अंदर अंदर जाओगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखेगी। तो हम अंदर जाएंगे और एक अच्छा सा स्पॉट देख के बैठते हैं और फिर हम बातें करते हैं, ठीक है? सो गाइस देखो, हम कहाँ थोड़े अंदर अंदर जाके आए हैं, एंड
देख सकते हो तुम कितनी अच्छी प्यारी जगह है ये। यहाँ पे तुम अपने डॉग्स भी ला सकते हो, सब कुछ ला सकते हो। ये देखो, व्हाट इज दिस? ओहो, दिस इज बी होटल, जहाँ बी अपना किराया देती है रहने के लिए। हाँ, तो हम देखो कहाँ आ रहे हैं। तुम्हें इसके अंदर भी ध्यान से देखो तो शायद कुछ दिख जाए, बट अभी तक नहीं दिख रहा। तो गाइस, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बट यू कैन सी लॉट ऑफ पीकॉक्स हियर। यहाँ पे तुम्हें बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें दिखने को मिलेगी अगर तुम एक्सप्लोर करते रहो तो, बट फिलहाल के लिए तुम पीकॉक देख लो। तो हर जगह लोग आए हुए हैं, हमें टाइम नहीं मिल सकता लग रहा भाई। ओ, इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी सुंदर नर्सरी में जितनी आज है। बहुत थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा तब जाके हमें मिलेगा मुझे लग रहा है। चलो ढूंढते हैं जगह, कुछ ना कुछ मिलेगी। सो फाइनली हमें मिल चुकी है जगह, एक जगह तो मिली है जहाँ पे हम आराम से बात कर सकते हैं। देखो थोड़ी तो शांति है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, दिस इज़ गुड। तो चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि हम आज यहाँ पे क्या करने आए हैं, ठीक है? तो आज 31st December है, मतलब लास्ट दिन है। तो हम सुंदर नर्सरी में इसलिए आए क्योंकि यार मेरे को सबसे अच्छी जगह ना यही लगती है। यहाँ पे तुम्हें सबसे ज़्यादा शांति मिलती है, सबसे ज़्यादा पीस मिलता है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मेरा 2022 सबसे ज़्यादा इधर ही गुजरा है। मैं ना वैसा बंदा नहीं हूँ जिसे बहुत शोर शराबा पसंद हो या क्लबिंग, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे तुम एक जगह बिठा दो जहाँ शांति हो, मैं पूरा दिन वहाँ गुजार सकता हूँ अकेले आराम से। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और तुमसे कुछ बातें भी करनी है जो कि शोर शराबे में नहीं हो सकती है। तो मैंने सोचा हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे फिर बैठ के बढ़िया से बातें करते हैं, राइट? भाई आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग था। पहले मैंने सोचा था गाड़ी से निकलूंगा सुंदर नर्सरी, आराम से पहुँच जाऊँगा। तो बीच में हमारे दोस्त जी मिलते हैं, बोलते हैं स्कूटी से जाओ क्योंकि बहुत भीड़ है, तो स्कूटी से चलते हैं। उसको कश्मीरी गेट तक जाना था तो मैंने कहा ठीक है स्कूटी से चल लेंगे। तो हम स्कूटी से गए और बीच में स्कूटी टकरा गई, एक ऑटो से टकरा गई। और उसका ना जो आगे का मडगार्ड तुमने देख ही लिया था, वो इतना पिचक गया था कि अगर उसे टायर को, मतलब स्कूटी ज़्यादा चलाते टायर ज़्यादा घूमता तो चांसेस थे कि टायर में हीट की वजह से शायद आग भी लग सकती थी, क्योंकि वो पूरा इतना चिपक चुका था। क्योंकि टायर की जो भी रोटेशन होती वो उससे टच होके जा रही थी। तो हमने बहुत ट्राई किया, मडगार्ड हो ही नहीं रहा सही। तो फिर एक कोने में रोका, उस मडगार्ड को हम सही करने लगे, उसमें टाइम लग गया। बट हम इतना नहीं अच्छे से कर पाए थे, बट थोड़ा बहुत कर लिया था कि हल्का फुल्का सा कि चलो आगे तक चल लेगी स्कूटी। तो फिर प्लान था स्कूटी से सुंदर नर्सरी आने का, बट अब इसकी मडगार्ड की वजह से हमने कहा नहीं, स्कूटी अब विश्वविद्यालय में लगाते हैं और उसके बाद चलते हैं। फिर विश्वविद्यालय आने लगे तो स्कूटी का एक हमें मिल गया जो कि स्कूटी थोड़ी सही कर सकता था, जो मडगार्ड सही कर दे। तो हम उसके पास रुक गए, तो उसने आधा घंटा ले लिया वो पूरा सही करने में। फिर हमने कहा चलो ठीक है, कम से कम स्कूटी तो सही हुई। फिर स्कूटी लेके हम आए, आके हम विश्वविद्यालय में लगाई हमने। फिर हम सोचे थे मेट्रो से जाएं, तो मेट्रो से देखा तो ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैंने कहा नहीं यार, अब टाइम ऑलरेडी ज़्यादा लग चुका है, तो टाइम सेव करने के लिए हम ऊबर ऑटो करते हैं। तो मेरे दोस्त को कश्मीरी गेट जाना था, मेरे को यहाँ आना था, तो मेरे दोस्त ने ऊबर ऑटो बुक करा। और पता नहीं उसने क्या करा, वो ऊबर ऑटो हुआ सिर्फ कश्मीरी गेट तक बुक। तो कश्मीरी गेट में जब वो उतरा तो उसकी आगे की योर आई डी इज़ कम्प्लीटेड करके ऊबर ऑटो वाले के पास। तो फिर उसने मुझसे पूछा आपको कहाँ जाना है, मैंने कहा मेरे को सुंदर नर्सरी जाना है। उसने कहा राइड तो यहाँ तक की थी, तो मैंने वहाँ से ऐड ऑन कर दी राइड। तो उसने बोला ठीक है मैं आपको सुंदर नर्सरी छोड़ देता हूँ। तो और ऑफलाइन छोड़ने लगा, ऊबर और ऊबर की साइड से नहीं छोड़ रहा था अलग से। तो जब वो उसने मेरे को सुंदर नर्सरी की जगह सुंदर नगरी ले गया, एकदम अलग जगह, एकदम उल्टी जगह। तो मैं जाने लगा, मैंने देखने लगा, मैंने कहा यार ये जगह तो बिल्कुल वैसी नहीं लग रही जहाँ से मैं जाता था, जहाँ पे मैं जाता हूँ ये जगह तो बिल्कुल वैसी नहीं लग रही, वो तो एकदम खुला हाईवे है, ये तो गलियाँ हैं। मुझे लगा कोई शॉर्टकट होगा, ठीक है ले जाने लगा और वो शॉर्टकट ख़त्म ही ना हो रहा, गलियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। मैंने सोचा भैया कहाँ आ गए हम, तो बोलता भैया सुंदर नगरी। मैंने कहा शिट, सुंदर नगरी नहीं, हमें सुंदर नर्सरी जाना था। बोलता शिट भैया, मैंने तो सोचा आपको सुंदर नगरी आना था। मैंने कहा नहीं भैया। उसने कहा ओके भैया, लिया हमने यू टर्न और फिर वहाँ से लेके गए, और फिर आधा घंटा लगा। तो मतलब विश्वविद्यालय से अगर हम सीधा सुंदर नर्सरी जाते तो 16 किलोमीटर थे। विश्वविद्यालय से हम कश्मीरी गेट गए, कश्मीरी गेट से सुंदर नगरी गए, और सुंदर नगरी से सुंदर नर्सरी आने में 22 किलोमीटर। फिर हम घूमे, फिर हम यहाँ आए और 1 बजे निकले थे, 4 बजे 4:30 बजे हम यहाँ पहुँच रहे हैं। देख रहे हो तुम कितना बढ़िया मेरा न्यू ईयर जा रहा है। हम पहले सोचा था कि मैं यहाँ पे आऊँगा, थोड़ी सी बातें करूँगा, तुम्हें ये अच्छी सी जगह दिखाऊँगा,
उसका सीपी चलेंगे क्योंकि सीपी काफ़ी अच्छा होगा इस टाइम, थोड़ा शोर शराब है बट ठीक है चलेंगे। और मतलब ऐसे नहीं कि मैं वहाँ रुकूंगा, बस भाई आधा एक घंटा, मतलब बार बार से मेरा सोच रहा कि गाड़ी जब लेके जाऊँगा तो बार बार से दिखा दूंगा तुम्हें कि कैसा सच है और उसके बाद घर। बट अब मुझे लग रहा है यहाँ से सीधा घर ही जाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं देखते हैं। बट आज जो भी हुआ मज़ा बड़ा आया, मतलब टाइम ना बड़े मस्त तरीके से निकला है जो भी हो रहा था उस वजह से, पता ही नहीं चला दिन का। वैसे भी मैं अकेले घूम रहा था तो मज़ा तो आया, ऐसा कुछ नहीं था कि जल्दी कहीं जाना है या प्लान मिस हो जाएगा कुछ भी, तो मस्त घूम रहे थे जहाँ ऑटो वाले भैया ले जा रहे हैं वहाँ चल रहे हैं, सही था। तो चलो गाइस एक जगह बैठे बैठे हम बोर हो चुके हैं, तुम्हें आगे का दिखाते हैं। बाय द वे एक तुम्हें फनी बात बताता हूँ, मैं ये जैकेट ना ऐसे लेके आया था, मेरा था कि मैं इस स्वेटर में घूमूंगा क्योंकि धूप पड़ेगी तो जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हम यहाँ पे पहुँचे 5:30 या 5 बजे जब पूरी धूप जा चुकी है, तब मुझे इस जैकेट में घूमना पड़ रहा था। अगर तुम्हें ऑड लग रही हो तो तुम समझ सकते हो क्यों ऑड है, क्योंकि ये मैं पहनने के मोटिव से आया ही नहीं था। चलो तुम्हें आगे का भी दिखाते हैं कि इधर क्या क्या है, एक जगह बैठे बैठे कितनी बातें कर लेंगे यार। चलो, और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, लिटरली मैंने नाश्ता तक नहीं करा है आज। तो चलो कुछ यहाँ पे एक कैफ़े था, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, तो कैफ़े मिलता है तो वो भी जाते हैं वहाँ पे खाते हैं। हम यहाँ बैठे हुए थे ठीक है, तो और इसके जस्ट साइड में कैफ़े है जिसकी मैं बात कर रहा था कि आई डोंट नो कहाँ है, तो जिसकी हम बात कर रहे थे वो जस्ट बगल में ही है। कोइंसिडेंस, आज कुछ ज़्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो रहे। तो चलो कुछ खाते हैं यार, बहुत भूख लगी है और यहाँ का खाना ना बहुत टेस्टी होता है। तो लेट्स गो है कैफ़े, और आज काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। मेन्यू इन्होंने बढ़िया किया है, बाहरी मेन्यू लगा दिया, बट आज ना लाइन बहुत ज़्यादा लगी है, तुम देख सकते हो काइंड ऑफ हाउसफुल है। अंदर जाके सिटिंग का भी है पर तुम अंदर देखोगे, बट देख रहे हो लाइन में लगे हुए हैं सिटिंग के लिए क्योंकि अंदर हाउसफुल है। तो आई गेस हमें बाहर जाके खाना पड़ेगा, यहाँ पे तो खा नहीं सकते क्योंकि बहुत भीड़ है, और तुम्हें एक घंटा और लगेगा, वेट करना पड़ेगा खाने का और उसके बाद तुम्हें खाना पड़ेगा, तो उसमें तुम्हें टाइम लगेगा। तो चलो थोड़ा सा घूम फिर के फिर बाहर चलते हैं, फिर तभी बाहर ही खाएंगे ठीक है। देख सकते हो गाइस मैं तो बहुत बार देख चुका हूँ, तुम भी देख लो कितनी प्यारी जगह है ना ये। फाइनली हम एकदम कोने में पहुंच चुके हैं, ये देख रहे हो तुम एकदम कोना है ये, यहाँ पे सारे आज बहुत ग्रुप्स आए हैं यार, और ये ना ग्रुप्स के लिए बहुत सही जगह है, देख सकते हो तुम, नहीं दिख रहा होगा बट ग्रुप्स के लिए ये बहुत सही जगह है। नाइस, आगे तो यार पार्किंग गाड़ी के लिए, यहाँ से चल लेंगे, यहाँ ना बहुत सही है यार, यहाँ तुम घूमते रहो भाई, दुनिया भर की जगह तुम्हें मिल जाएगी, बहुत सही जगह है। तुम अगर आ रहे हो, तुम्हारे पास अगर ग्रुप है तुम्हारा, भाई लेके आओ भाई, ये तो पिकनिक स्पॉट है। आज तो इतने सारे ग्रुप आया, चादर वादर लेके आया, बढ़िया अपना तकिए वकिए लगे, चेयर्स तक लेके आए लोग, मस्त रखा हुआ, मस्त अपना मजे मार रहे हैं, सही है यार, बहुत सही जगह है, अगर तुम्हारे पास ग्रुप है तो हाँ तुम्हें ज़रूर यहाँ आना चाहिए। इस तो तुम यहाँ देख ही सकते हो कितना ज़्यादा है, मतलब हम एकदम उस कोने में आ चुके हैं जहाँ कोई नहीं आता, तो अगर तुम्हें यहाँ की जगह पता है तो तुम आ सकते हो ऐसी जगह भी, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बाकी सारे ना उसी साइड रह लेते हैं और वहीं घूमते रहते हैं, फिर बोलते हैं बहुत भीड़ है, ऑल्दो भीड़ ज़्यादा होती नहीं है यहाँ पर, आज थी क्योंकि आज ऑब्वियसली लास्ट डे है तो हर कोई यहीं आएगा, तो यही है, थोड़ा अंदर साइड आ जाना अगर तुम्हें कहीं ज़्यादा भीड़ मिलेगी तो, क्योंकि अंदर साइड देख सकते हो तुम कितनी प्यारी प्यारी जगह है, ये देखो कितनी बढ़िया जगह है यार, ऐसी जगह ना मैं आराम से रह सकता हूँ अकेले। इतनी ज़्यादा पीसफुल जगह, वाओ मस्त। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि आजकल स्टोरी टेलिंग की मेरी यूट्यूब वीडियोस जो चल रही है उसमें मैं स्टोरी टेलिंग थोड़ी चलाता हूँ, तो एक मैंने ये वाली बुक ली है जो पूरी स्टोरी बेस्ड है, तो बहुत सही है, तो मैं फ्री टाइम पर ये पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत सीखने को मिलता है मुझे कि कैसे स्टोरी एक बताई जाती है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर एक यू नो डिटेलिंग के साथ, तो आजकल मैं ये पढ़ रहा हूँ विदाउट मैरिट, बहुत सही है।
सो गाइस अब देख रहे हो तुम अंधेरा होने लग गया, लाइट्स भी जल गई अगर तुम्हें दिख रही हो दूर। कहाँ दिख रही है क्या वो जो दिख रही है ना वो लाइट्स है ये तो अंधेरा हो गया और लाइट्स भी जलने लग गया, तो आई गेस अब चलना चाहिए हमें। तो मस्त अपने तीन घंटे तो निकल गए आराम से, तो मज़ा तो बहुत आया यार यहाँ पे। देख रहे हो तुम चिड़िया की, देख रहे हो ऐसे लग रहा तुम्हें कि मैं कहीं गांव में आ गया हूँ, मतलब तुम्हें क्या मुझे लग रहा होगा क्योंकि मैं हिमाचल से बिलोंग करता होगा तुम्हें नहीं पता, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं हिमाचल में कहीं आके बैठ गया हूँ। तो बहुत सही एक्सपीरियंस है यार ये, बहुत सही है। मतलब अब मैं तो अपना न्यू ईयर ऐसे ही बनाता हूँ, मस्त ऐसी पीसफुल जगह में बैठ जाओ, अपने आप अकेले बैठो, क्योंकि ना क्योंकि पता क्या है तुम अगर ग्रुप के साथ आओ बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा नो डाउट, बट अकेले आने में ना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। अगर तुम्हें मतलब मुझे लगता है कि अगर तुम्हें अकेले आने की आदत पड़ गई है, अकेले घूमने की आदत पड़ गई है, जो कि थोड़ी मुश्किल है, आई नो लोग बोर हो जाते हैं, लोग क्या करते हैं, बट अगर तुम्हें पड़ गई आदत, बहुत सही चीज़ है ये, क्योंकि तुम ना जब अकेले होते हो ना तो मुझे लगता है तुम्हारा ना दिमाग कुछ अलग ही टेंजेंट में चल रहा होता है, अलग ही डायरेक्शन में चल रहा होता है। ग्रुप के साथ होते हो तुम मज़े कर रहे होते हो, तुम सोच रहे होते हो मैं क्या ऐसा बोलूँ कि सब हंसे या कुछ ऐसा सोचूँ, मतलब तुम ना ग्रुप से रिलेटेड ही बातें करते रह जाते हो, बट जब तुम अकेले होते हो ना तुम बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, बहुत तुम्हारा माइंड बहुत अलग ही चल रहा होता है, कभी ट्राई करके देखना इस चीज़ को। तो मेरा न्यू ईयर तो ऐसे निकला है, तुम्हारा कैसे निकला तुम अपना बताओ। और अभी निकला नहीं है न्यू ईयर, अभी तो 31st है, तो है अभी यहाँ से मैं घर पे जाऊँगा, घर में अपने मतलब फैमिली के साथ बनाना है मुझे, तो हमारा न्यू ईयर ऐसे बनेगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, विश्वविद्यालय जाएंगे, स्कूटी लेंगे, स्कूटी से घर आएंगे। आई होप कि अभी विश्वविद्यालय ही पहुँचूँगा, अब कहीं और कोई विद्यालय नहीं पहुँच जाऊँ भाई आज का दिन बहुत वैसा गया है, वैसे लंबा रूट और टाइम वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पीटी हो सकती थी, बट पता नहीं क्यों मुझे आज मतलब हर चीज़ में मज़ा आ रहा है। अगर ठुक गई है स्कूटी में, स्कूटी ठुकने में मज़ा नहीं आया, बट एक उसको छोड़ के बाकी सब में कहीं और पहुँच गए हैं, गाड़ी की जगह स्कूटी लेके निकल गए मज़े वाली बात तो ये थी कि हमने सोचा था गाड़ी से आएंगे, गाड़ी से ज़्यादा टाइम लगा इसलिए हम स्कूटी से आ गए, स्कूटी ठुक गई तो ना गाड़ी से आए ना स्कूटी से आए, हम ऊबर करके ऑटो से आए हैं। और गाड़ी से हम इसलिए नहीं आए थे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम कितने लग रहा था 1 घंटा, और हम ये पूरा जो प्रोसेस हुआ उसमें कितने घंटे लग गए, 3.5 घंटे डैम बट जो भी है चलो बढ़िया था नाइस। तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, और भूख भी लगी है यार, कुछ खाते हैं, तो लेट्स गो। हाँ बाय द वे सुंदर नर्सरी नाम है इधर का, तुम्हें फिर से बता देता हूँ, तुम्हें आना हो ग्रुप के साथ, बहुत सही जगह, बहुत सही। देख लो जो तुम्हें लाइट में बता रहा था कि जल चुकी है, शायद उस टाइम दिख ना रही हो, ये देखो लाइट्स जल चुकी है एंड खाली होने लग गया। चीज़ थी वो ये थी जो सुंदर नर्सरी की मुझे सबसे अच्छी लगी थी, यहाँ पे कपल नहीं आते, आई डोंट नो आज क्यों सब आ गए हैं भाई, इतने कपल कैसे आ सकते हैं आज, आई डोंट हैप्पी न्यू ईयर है मतलब ऐसे मनाओगे तुम, बट जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ पे भाई ग्रुप आता है, फैमिलीज आती है, तो मतलब पारिवारिक माहौल होता है काफ़ी इस पार्क में। और ये मैं सरकैज़म में नहीं कह रहा है, मैं सच में कह रहा हूँ, इसलिए मुझे ये जगह बहुत पसंद है कि तुम आराम से आ सकते हो ग्रुप के साथ बैठ सकते हो, तुम्हें कुछ ऑकवर्ड नहीं होगा, बट हाँ आज थोड़ा सा है, थोड़े ज़्यादा कपल दिख रहे हैं, बट ठीक है यार सबको अपना प्राइवेट टाइम चाहिए होता है तो ठीक है। हमने कॉफ़ी तो ले लिया, चलो कुछ तो मिला खाने पीने के लिए बाकी यार भीड़ इतनी है, वो देखो वो दिख रही है तुम्हें वैन वहाँ पे, वो कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी एंड टी, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वो है भीड़ है, ठंड में स्कूटी चलाना ना जानलेवा काम है मुझे लगता है, अच्छी खासी गाड़ी ला रहा था कहाँ फंस गया मैं, अभी ऑटो से जाना पड़ेगा क्योंकि मेट्रो से तो बहुत ही दूर है, वो तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो चलो कॉफ़ी पीते हैं फिर उसके बाद चलते हैं, सुंदर जगह है ना, आई नो बेटा सी, रात को तो यार ये बहुत प्यारा लगता है सी, बहुत प्यारा। पर अब टाइम आ चुका है हमारे घर जाने का गाइस, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, मतलब बहुत रात तो नहीं बट घर पहुँचते बहुत रात हो जाएगी, तो चलो बाय बाय बोलते हैं हम इस सुंदर सी जगह को और चलते हैं हमारे घर की तरफ।
जब हम चल तो लें बट अब हमें जगह ही नहीं मिल रही, मतलब हमें एग्जिट नहीं मिल पा रहा कि कहाँ पर है। दूर सो अब सामने ही है, जस्ट अब ज़्यादा दूर नहीं है एग्जिट हमारा। कहाँ है यार, ऐसे दिखता ही नहीं है, पोपट हो जाता है। रुको, वो दिख रहा है सामने, वहाँ पे एग्जिट है। तो टाइम टू गो, लोग अभी भी पिकनिक कर रहे हैं भाई, देखो नाइस। सो गाइस अब हम ऑटो करेंगे और चलेंगे सीधा विश्वविद्यालय। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारी पार्किंग विश्वविद्यालय में। ये खड़ी है हमारी स्कूटी। सो या दैट्स इट, ये था आज का ब्लॉग। अब यहाँ से सीधा घर जाएंगे और फिर उसके बाद घर वालों के साथ पार्टी करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम्हें ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो बताना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर।